करंट से झुलसी बच्चे के लिए भारतीय सिंधु सभा ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा, बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी का किया जाए सहयोग। 11,000 वोल्ट के तार पर हाथ लगने से झुलसी बच्ची। मदार डबल स्टोरी निवासी रिया अपने दोस्तों के साथ छत पर खेल रही थी, तभी उसका हाथ घर के ऊपर से जा रहे 11,000 वोल्ट के तार पर पड़ गया और वो झुलस गई, जिसे जेलन अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। आज भारतीय सिंधु सभा ने कलेक्टर से मिलकर उसका इलाज सही तरीके से हो, साथ ही उसके भविष्य की शिक्षा रोजगार की जिम्मेदारी का सहयोग हो, ये बात ज्ञापन में कही। मामला था क्या था? आज भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर के द्वारा जो है बच्ची रिया डॉक्टर ऑफ जितेंद्र गरौंदा जेपी नगर मदार की निवासी है, उस बच्ची का हाई टेंशन लाइन से जो है झुलसने की वजह से आज बच्ची जो है वो सीरियस कंडीशन में जैरन हॉस्पिटल में है। आज हम सब मिलकर कार्यकर्ता बंधु जो है यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और भारतीय सिंधु सभा की तरफ से ये मांग की गई है कि उस बच्ची का जो है जयपुर तरह से इलाज यहाँ होना चाहिए, साथ साथ उस भविष्य के उस बच्चे की बच्ची की भविष्य की शिक्षा और उसकी जो है रोजगार के लिए उसका पूरा सहयोग किया जाए, ये मांग हमारे भारतीय सिंधु सभा की तरफ से रखी गई है। आपका नाम? महेश टेकचंदानी, महानगर मंत्री।